एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। सीएम योगी ने मंत्री परिषद की बैठक बुलाई है। कल अपने आवास पर उन्होंने कैबिनेट बैठक बुलाई है। सभी 54 मंत्रियों को कल अपने आवास पर बुलाया है। सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर मंत्रियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। सभी मंत्रियों को टैब पैड लैपटॉप के साथ बुलाया गया है। तो जो टैब है, जो आईपैड है, लैपटॉप है, उनके साथ बुलाया गया है सभी मंत्रियों को। और सभी 54 मंत्री सीएम आवास पर बुलाए गए हैं। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, ये किस तरीके का प्रशिक्षण कार्यक्रम है, क्या प्रशिक्षण होना है? अभी देखिए फिलहाल ये जानकारी नहीं दी गई है कि प्रशिक्षण क्या है, लेकिन ये मानकर चलिए कि कल की जो बैठक होगी उसमें, क्योंकि आगे पंचायत चुनाव भी होने हैं, इससे पहले आज बजट पेश किया गया है, तो ये मानकर चलिए कि इन मुद्दों पर भी मुख्यमंत्री के साथ सभी मंत्रियों की चर्चा होगी। इसके अलावा पंचायत चुनाव को लेकर अलग अलग जिलों का प्रभार जो दिया गया है सभी को, उसको लेकर मंथन हो सकता है। साथ में जो हमने अभी जैसा बताया कि जो बजट आया है इसके ऊपर मंथन होगा, क्योंकि जब पंचायत चुनाव के लिए सभी लोग अपने अपनी जगह पर क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पर वो जनता को ये बताएंगे कि किस तरह से बजट उनके लिए फायदेमंद है, किस तरह से उनके काम का ये बजट है। तो निश्चित रूप से इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ इन चीजों पर भी मुख्यमंत्री आवास पर मंथन होगा। और फिलहाल अभी ये जानकारी नहीं बताई जा रही कि प्रशिक्षण में और क्या क्या चीजें शामिल की जाएंगी, लेकिन ये दो चीजें मानी जा रही है, लगभग तय मानी जा रही है कि इनके ऊपर मुख्यमंत्री के साथ में चर्चा होगी। यही वजह है कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और जितने भी बाकी राज्य मंत्री हैं उन सभी को मुख्यमंत्री आवास पर सुबह 11:30 बजे बुलाया गया। काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है सभी चीजों। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि क्या मंथन होता है, क्या फैसले होते हैं। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए।